दोस्तों, एएलपी टेक्नीशियन भर्ती जो प्रोटेस्ट हो रहा है पटना में, ये अब कोई छोटा मोटा प्रोटेस्ट नहीं रहा है। पिछले 3 दिनों से लगातार स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आज वही हुआ जिस बात का डर था। शांतिपूर्ण तरीके से छात्र जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है और यहाँ पर लाठीचार्ज किया गया है। आगे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा किस तरह से एक स्टूडेंट को जो है बेरहमी से पीटा जा रहा है और कहीं ना कहीं ये सरकार की या फिर आप कह सकते हैं कि प्रशासन की जो है तानाशाही यहाँ पर अब दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर कुछ बड़े कदम जरूर लेने होंगे, तो बड़े टीचर्स को अब सामने जरूर आना होगा और सरकार को ये बताना होगा कि छात्रों की डिमांड यहां पर बिल्कुल सही है और इस तरह से जो है उनके साथ व्यवहार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलिए वीडियो आप देखिए, उसके बाद आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। देखिए देखिए किस प्रकार से लाठियां बरसाई जा रही है। आप आंदोलन में आए थे। हाँ, आंदोलन में आए तो क्या? देखिए सर, गलत कह रहे हैं। देखिए, आपने वीडियो में देखा किस तरह से स्टूडेंट को जो है पीटा गया है और ये तब है जब छात्र बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से 3 दिन से अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पटना का कारगिल चौक है। यहाँ पर छात्र बैठे हुए थे, नारेबाजी कर रहे थे और ये देखो यहाँ पर लाठीचार्ज इन्होंने किया है और तुरंत यहाँ पर बिना किसी वार्निंग के लाठीचार्ज किया गया है। देखो, स्टूडेंट को भगाने के लिए जो है किस तरह से पीटा जा रहा है और ये वही स्टूडेंट है। अगर ये उग्र हो गए तो ये यहाँ पर रेलवे प्रशासन और सरकार को बिल्कुल जो है हिला कर रख देंगे। ये बात सरकार को सोचनी चाहिए और किस तरह से छात्रों को पीट कर जो है देखो आप लोग भगाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत गलत यहाँ पर स्टूडेंट के साथ हो रहा है। और अब जो है कुछ ऐसे लोगों को सामने जरूर आना पड़ेगा जिनकी पहुंच ऊपर तक है, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ अब वैकेंसी का नहीं रहा है, ये अपने हक की लड़ाई बन गई है। और वीडियो में आप लोग देखिए किस तरह से जो है स्टूडेंट को पीटा गया है। बाकी जो अभी तक का अपडेट है वो यही है कि प्रदर्शन जो है बड़ी संख्या में स्टूडेंट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सरकार का प्रतिनिधित्व सामने नहीं आया है बात करने, ना ही कुछ रेलवे ने इस पर कोई अपडेट दिया है।